हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नोइट। आज की जो वैकेंसी है वो है टाटा स्टील की तरफ से। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी 2020। और ये जो वैकेंसी है ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे है, पर लेकिन आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा 2 साल में तो आपको परमानेंट कैडर दिया जाएगा एज एन असिस्टेंट मैनेजर की, आपको पोस्ट दे दी जाएगी। तो दोस्तों चलो इसके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोजीशन जो है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की है और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स और आप ट्रेनिंग की तरह काम करेंगे यहाँ पे। और अगर आपका 2 साल में आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा एज असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सिविल, स्ट्रक्चरल, सिरामिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हर कोई अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी मांगा जो गया है, यहाँ पे मिनिमम आपका बी.टेक होना चाहिए या फिर बी.एस.सी इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। और अगर आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ्रेशर लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मिनिमम 6.5 CGPA होना चाहिए आपका B.Tech या B.Sc इंजीनियरिंग में, या फिर मिनिमम 65% होना चाहिए इन B.Tech में, तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मिनिमम 75% होना चाहिए इन 10th क्लास, ये भी एक क्राइटेरिया दे रखा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज दे रखी है, यहाँ पे जो एज है यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 31st दिसंबर 2019। और यहाँ पे जो आपको मतलब सैलरी जो दी जाएगी वो आपको दी जाएगी फर्स्ट ईयर में 28,000 पर मंथ दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मेडिक्लेम आप कर सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज अप टू 2,50,000, और आपका OPD रहेगा कवरेज जो है 6,000 पर एनम आपका रहेगा। और यहाँ पे अदर गाइडलाइंस दे रखी है, आप जो भी अप्लाई करेंगे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे एज़ पर द कंपनी स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा गया है। और आपको कोई भी रिइंबर्समेंट नहीं होगा अगर आप इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, यहाँ पे बता दिया गया है। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसीजर दिया गया है, और मैं वीडियो के लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं ये दे रखा है यहाँ पे, 5/1/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।